2030 का भारत देख रहे हैं आप, और 2030 के भारत में हम लगातार नए चेहरों से बात करते आए हैं। मुद्दे हमारे वही तीन होते हैं, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा। आज भी हम उन्हीं तीन मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन जो शख्स आज हमारे साथ मौजूद है वो थोड़े से अलग है। उनका ताल्लुक किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, बल्कि सीधे तौर पर जनता से है। उन पर ना पक्ष की जिम्मेदारी है और ना ही विपक्ष का दबाव। अगर दबाव है तो सीधे अल्लाह का, और अगर जिम्मेदारी है तो जनता की। तमाम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बिल्कुल कैंडिडेट को पीछे छोड़कर उन्होंने लद्दाख की जनता का भरोसा जीता है। तो आज हम उनसे जनता की बात करेंगे, लद्दाख की जनता की बात करेंगे। हम बात करेंगे जनाब हाजी मोहम्मद हनीफा जी से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया जी सर, लद्दाख की जनता ने आपको पूरा सपोर्ट दिया है। तमाम बड़ी बड़ी पार्टी से कैंडिडेट्स को पीछे चुनाव, और उसके बाद चुनाव जीतना एक बड़ा एग्जाम्पल है। वो भी करीब 65,000 वोटों से चुनाव जीतना, यानी साफ दर्शाता है कि लद्दाख की जनता पर आपको पूरा आप पर लद्दाख की जनता को पूरा भरोसा है। तो आज हम आपसे जनता की ही बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप हमें वास्तविकता बताएंगे, सच्चाई बताएंगे, क्योंकि आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। ना आप किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, आप निर्दलीय हैं, इंडिपेंडेंट है, लेकिन आपके साथ जनता है। तो शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला सवाल तो सर मेरा, गरीबी, भुखमरी, शिक्षा के मुद्दे पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लद्दाख में राजनीति का परिदृश्य क्या है इस वक्त, लद्दाख का राजनीतिक माहौल कैसा है? क्योंकि चुनाव के कुछ समय पहले आपके द्वारा अपनी पूरी यूनिट के साथ इस्तीफा दे दिया गया, ठीक है, पार्टी से। उसके बाद कुछ समय पहले तक लद्दाख में प्रोटेस्ट भी चल रहा था, सोनम वांगचुक द्वारा हड़ताल की जा रही थी। तो लद्दाख का राजनीतिक माहौल किस तरह से है और क्या परिदृश्य है, ये जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, लद्दाख का जो पॉलिटिकल माहौल है वो 2019 में जब जेएनके के बाइफ्रेक्शन हुई और लद्दाख को यूटी बनाया गया, उसके बाद काफी चेंजिंग आई है। चेंजिंग इन द सेंस ये कि जब वहाँ यूटी बनाई गई उस वक्त, उससे पहले वहाँ पे डिवीजन थे। 50% लोग यूटी की डिमांड कर रहे थे, 50% लोग उसके खिलाफ थे। उसके बावजूद वहाँ पे यूटी दिया गया और यूटी बनी। और जब यूटी सेटअप हुई, उसके बाद 6 महीने साल भर के अंदर पूरे लद्दाख के आवाम को, जो जिन्होंने यूटी की डिमांड की थी या जिन्होंने नहीं की थी, सबको ये लगने लगी कि जिस यूटी की डिमांड लोग वहां कर रहे थे वो यूटी ये नहीं है। क्योंकि वो लोग जो डिमांड कर रहे थे वो यूटी विद लेजिस्लेचर की डिमांड कर रही थी, ताकि वहां पे जो लोकतंत्र हो या जो जमहूरी निजाम हो वो उसकी बका रहे। लेकिन जब यूटी दिया गया तो इन सारे चीजों के बगैर वहां यूटी दी गई। 370 और 35A में जो हमारे जमीनों को लेके, हमारे बच्चों के जॉब सिक्योरिटी, कल्चर आइडेंटिटी, हमारे एनवायरनमेंट, सब चीजों की वहाँ पे सेफ गार्ड थे, तो वो सारे चीजें खत्म हो गई। तो 2020 के बाद जो है वहाँ पे पूरे लद्दाख में, करगिल में अलग एक संगठन बनी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, लेह में एपेक्स बॉडी लेह बनी, और दोनों मिलके पूरे लद्दाख के आम जो है पिछले 3-4 सालों से जो है एहतजाज पे हैं और गवर्नमेंट से डिमांड कर रही है 4 पॉइंट एजेंडे को लेके, जो स्टेटहुड 6 शेड्यूल के अंदर जो सेफ गार्ड्स, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर वहाँ पे रिक्रूटमेंट जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल बंद पड़ी है 2019 के बाद। वहाँ जो PSC JNK, जम्मू कश्मीर PSC के अंडर जो है हमारे बच्चे वहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट करते थे, लेकिन उस 2019 के बाद वो सारे चीजें खत्म हुई। तो PSC की डिमांड, जॉब रिजर्वेशन और जॉब रिक्रूटमेंट का डिमांड कर रहे हैं, ये सारे चीजें लेके पिछले 3-4 सालों से वहाँ लोग जो है बड़े काफी एहतजाज थे। और ये इलेक्शन जो है प्योरली लद्दाख के इन्हीं मुद्दों पे और लद्दाख के डेवलपमेंट पर इस बार इलेक्शन हुआ है। मैं लोगों के सामने गई थी वहां पे, खुसूसन करगिल साइड साइड में तमाम जो पार्टी है वहां पे, पॉलिटिकल पार्टी BJP के अलावा जितने भी, करगिल की में कांग्रेस की यूनिट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है,
हमारे मजहबी तंजीमें हैं, सारे मिलके जो है वो मुझे आगे किया ताकि लद्दाख के मुद्दे को आगे कर सके। तो तो सर ये आपको सर यहाँ रोकना चाहूंगी, एक चीज जानना चाहूंगी। आपने कहा कि इन मुद्दों पर आप चुनाव लड़े, ठीक है, और इन मुद्दों पर ही जनता ने आप पर भरोसा दिखाया और आप चुनाव जीते भी। तो अब आपकी किस तरह से रणनीति होगी या किस तरह से काम किया जाएगा कि ये जो समस्याएं आ रही है लद्दाख में, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आपने एक एजुकेशन की बात की, जॉब रिक्रूटमेंट की बात की, एग्जाम्स की बात की, तो कहीं ना कहीं जिन मुद्दों पर हम बात करते हैं वो मुद्दे इनसे इंटरलिंक कर रहे हैं। अगर जॉब्स नहीं है तो कहीं ना कहीं भुखमरी गरीबी में इंटरलिंक होगा। अगर एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो पा रहे तो ये कहा जा सकता है ना कि एजुकेशन सिस्टम या फिर जो शिक्षा का पैमाना है वो बेहतर नहीं है वहां पर। तो अब इन समस्याओं का समाधान किस तरह से करेंगे आने वाले 5 सालों में? आपकी ऐसी क्या कोशिशें रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, क्या करेंगे आप, ये जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मुझे मेरे मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि पिछले 1-2 साल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इन सारे चीजों पे हमारे जो कमेटी बनी है, केडीए और एपेक्स बॉडी, इनका एक हाई पावर कमेटी बनी थी। उस कमेटी के साथ गवर्नमेंट के साथ मुजाकिरात चल रही थी, लेकिन इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं ये जो मुजाकिरात है वो बंद हो गई थी, वहां से आगे नहीं चल पाई है। सबसे पहले तो मैं यही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब से मिलने की भी कोशिश करूंगा, और उनसे यही है कि जो 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 एक बातचीत का सिलसिला है जो रुकी हुई है उसको शुरू करें, और जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसको एजेंडे में शामिल करके सिंसियरली इस इन 4 पॉइंट एजेंडा पे जो है बातचीत शुरू करें। सबसे पहला तो यही है। उसके बाद जो जो मेरा मेन एक चीज ये है कि जो पिछले 4 साल में जो हमारे लद्दाख का हालत रहा है, वहाँ के लोगों का, आवाम का जो खदशात है अपने मुस्तकबिल को लेके, लद्दाख के मुस्तकबिल को लेके, वो सारे चीजें जो है सही तरीके से, सही मानों में जो है हमारे जो अरबाब अख्तियार है, हमारे होम मिनिस्टर है, उनके सामने रखूं, और उनसे यही ये है कि एक तो फुल फ्लेज स्टेटहुड की हमने डिमांड की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश के अंदर हम लोग को पिछले 50-60 सालों से एक 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 जमहूरी निजाम में, जमहूरी माहौल में हम लोगों ने जिंदगी गुजारी है, और आज अचानक हमको वहां से निकाल के एक ब्यूरोक्रेसी के एक सेटअप में हमको डाला गया, तो उसमें अवामी सुनवाई नहीं होती है, अवामी ये नहीं होते। हम चाहते हैं कि लद्दाख में लद्दाख के लोग गौन करें, लद्दाख के लोग जो है लद्दाख के फ्यूचर के बारे में जो है वो डिसाइड करें, क्योंकि लद्दाख एक तो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही एक सेंसिटिव जगह है, दूसरा टोपोग्राफिकली जो है हिमालयन रेंज में है तो बहुत एक अलग इलाका है, वहाँ के जगहों के बारे में वहाँ के लद्दाखी ही जान सकते हैं, वहाँ के लद्दाख ही लोग वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में जान सकता है कि किस तरह के डेवलपमेंट जो है वो लद्दाख में होनी चाहिए। तो दूसरा जो है, हमको 370 और 35 के अंदर जो सेफ गार्ड थे वो खत्म हो गए, तो हमने चूंकि लद्दाख जो है ट्राइबल एरिया है, 95% वहाँ शेड्यूल ट्राइब के अंदर लोग है, तो हमने 6 शेड्यूल के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड की हमने डिमांड की है, जो बहुत ही जरूरी है। हमको हमारे जमीनों की तहफ़ुज़ात की जरूरत है, क्योंकि लद्दाख एक तो एरिया वाइज काफी बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन वाइज कम है, तो अगर बाहर से लोग आके बसती है तो हमको ये खदशात है, खतरा है कि आने वाले सालों में लद्दाख तो रहेगा लेकिन लद्दाख ही वहां से खत्म हो जाएगा हमारे कल्चर। वहाँ 7 एथनिक ग्रुप है, वहाँ पे हर इलाके से दूसरे इलाके में आपको अलग कल्चर देखने को मिलेगा, तो इन सारे चीजों की प्रोटेक्शन। हाँ, आपने कल्चर की बात की तो कल्चर से ही मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्योंकि लद्दाख का जो कल्चर है वो थोड़ा सा तिब्बतियन कल्चर से इंटरलिंक भी करता है, यानी कि वहाँ का जो शिल्पकार है और लद्दाख का जो कल्चर है वो काफी अलग है। तो लद्दाख का अगर कल्चर, क्योंकि आप लोग स्टेटहुड की बात करें, यानी कहीं ना कहीं आपका स्टेटहुड, इंडिपेंडेंट स्टेटहुड की बात करने का सीधा सीधा मोटो एक ये भी है कि लद्दाख का जो कल्चर है, ओरिजिनल कल्चर, वो कल्चर बचा रहे। अगर हम लद्दाख के कल्चर की बात करें तो लद्दाख का कल्चर लद्दाख में गरीबी को कम करने में किस तरह से मदद कर सकता है, ये जानना चाहती हूँ। देखिए, गरीबी तो
देश के सामने सबसे बड़ा चुनौती है। अगर आज देश को अगर ऊपर लेना है, इस देश को अगर आप बोलते हैं 2030 तक जो हमारा ये है, अगर उस गोल को अगर अचीव करना है, हमको सबसे बड़ा चुनौती हमारे लिए गरीबी है। और गरीबी से जो जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए हमारे अभी तक मुझे नहीं लगता है कि इतना ठोस पॉलिसीज हमारे पास है। और अगर हमारे पास ठोस पॉलिसीज होगा भी तो ग्राउंड लेवल पे अभी उसका कोई असर अभी दिखने को नहीं मिलता है। आप क्या करेंगे? लद्दाख में 2019 के बाद बेरोजगारी का जो 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 परसेंटेज है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। आज मेरे ख्याल से लद्दाख जो है बेरोजगारी की उसमें सेकंड नंबर पे है। वहाँ के नौजवान तबका बहुत परेशान है, क्योंकि उनको उनको जो खासकर जो लद्दाख में लिटरेसी रेट जो है वो बहुत बहुत अच्छा है वहाँ पे, चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज हो। आपको यहां से रोकना चाहूंगी। आप कह रहे हैं लद्दाख में लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, ठीक है, ये चीज मैं मानती हूँ कि लद्दाख में लिटरेसी रेट बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके बावजूद लद्दाख में अगर तो देखा जाए तो 75% ऐसे स्कूल्स है जो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन ही प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अगर स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन देना होता तो फिर उन्हें लद्दाख से माइग्रेट करके वही बाहर वही जाना पड़ता। वही मैं कल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से मैं मिली, उनको मैंने ये सारे चीजें बताए कि अब जो है लद्दाख में हायर एजुकेशन के जो 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 इंस्टीट्यूशन है वो उनकी जरूरत क्यों है, वो जी मैंने डिटेल में, क्योंकि लद्दाख में जो 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 आम वहाँ बसते हैं वो कुछ ज्यादा अमीर नहीं है, वो ज्यादा पैसे वाले नहीं है, वो मिडिल क्लास से भी नीचे लोअर मिडिल क्लास के लोग वहां बसते हैं। लेकिन अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर को, उनको उनको तालीम देने में वो लोग पीछे कभी नहीं बैठते। उनको वो अपने पेट से कुछ खाने पीने के जो ये है, पेट काट के भी अपने उसमें कमी ला के भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजता है। तो एज वेल जो जब हम स्टेट में थे कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में हमारे ज्यादा बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाते थे, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में हमको थोड़ा वहाँ पे अफोर्ड हम कर सकते हैं। लेकिन जब जम्मू कश्मीर से बाहर अगर हमको जाना पड़े तो उतना एफोर्ड जो है वो हमारे वहाँ के लोग नहीं कर सकते। लेकिन जब यूटी बन गई उसके बाद कश्मीर और जम्मू में भी जाके वहाँ एडमिशन लेना बहुत मुश्किल पड़ती है। लिहाजा हमारा कल फाइनेंस मिनिस्टर से हमें हमारी मुलाकात हुई, वहाँ पे हमारे हमारे कुछ डिग्री कॉलेज के मसले थे, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के अनाउंसमेंट हुए लेकिन अभी तक ये नहीं हुए, मेडिकल कॉलेज का अनाउंसमेंट हुई लेकिन अभी तक उस पर कोई ये नहीं हुआ है। लेकिन लिहाजा यही है कि हायर एजुकेशन जो है वो अभी लद्दाख में बहुत जरूरी है, ताकि वहाँ के बच्चे अपने घर में बैठ के वहां बैठ के जो है वो लोग हायर एजुकेशन ले सकें। बिल्कुल सर, हायर एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल ये बनता है ना कि वो हायर एजुकेशन लद्दाख में आएगा कैसे? आपके क्या प्लान्स हैं इसको लेकर, किस तरह से, क्योंकि जनता ने आप पर भरोसा दिखाया है पूरी तरह से, तो उसके बाद अब आप लद्दाख को हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराने में किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे, ये जानना चाहती हूँ। और एक देखिए, और मैं सवाल एक तो ये है कि वहाँ पे कॉलेजेस खोलें, वहाँ यूनिवर्सिटी है लद्दाख यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी तक वो फुल फ्लेज लद्दाख यूनिवर्सिटी नहीं है वो, या तो क्लस्टर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तौर पे वहाँ पे चल रहा है। उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स है, वहाँ के रिक्रूटमेंट जो पॉलिसीज है अभी तक वो क्लियर कोई पॉलिसीज नहीं है। वहाँ के जो जो हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो लोग चाहते हैं कि लद्दाख में, लद्दाख यूनिवर्सिटी में ऐसा पॉलिसीज आए जिसमें हमारे वहाँ के लोकल यूथ जो पढ़े लिखे नौजवान है, जो वहाँ के स्कॉलर्स है, उनको वहाँ पे मौका मिले, क्योंकि वेदर कंडीशन और टोपोग्राफी के लिहाज से बाहर से लोग आके वहाँ पे फिलहाल आज के डेट में जो वहाँ पे पढ़ाना काफी हद तक मुश्किल है। लेकिन वहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान है, बहुत सारे पढ़े अच्छे वहाँ पे स्कॉलर्स है, पीएचडी होल्डर्स है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे नौजवान है जो अपने अपने कौम को वो सर्विस देना चाहते हैं, और वो लोग बहुत अच्छी तरह वहाँ समझ के वहाँ के हिसाब से जो हो वहाँ पढ़ा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को
वहाँ पे यूनिवर्सिटी में नौकरी मिले और वहाँ पे फुल फ्लज यूनिवर्सिटी बने। तो ये, और दूसरा वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट, जो खासकर जो गेजेटेड पोस्ट है और बाकी जो यूटी लेवल के जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो अभी अभी तक बंद है। वो सारे चीजें जल्दी हो, रिक्रूटमेंट सिस्टम प्रोसेस जो है वो जल्दी शुरू हो। से तो ये तो हायर एजुकेशन की हमने बात कर ली, रिक्रूटमेंट्स की बात कर ली। अगर मैं बात करूँ प्राइमरी लेवल एजुकेशन की, क्योंकि लद्दाख में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो काफी दूर दराज में हैं, ठीक है, तो खास तौर पर ऐसे इलाकों में बच्चों को एक सही शिक्षा, एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने के लिए सरकार क्या करती है? देखिए, प्राइमरी लेवल पे अगर मैं बात करूं देश के, अगर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स या ऐसे गांव, ऐसे जगहों से अगर कंपेयर करें, लद्दाख में काफी हद तक जो प्राइमरी लेवल का जो 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 खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई जो है अच्छी मिलती है वहां पे, क्योंकि वहां पे आज के डेट में जो है लोकल जो टीचर्स वगैरह है वहाँ पे प्राइमरी लेवल या मिडिल स्कूल के लेवल तक जो है वो पढ़ाते हैं, वहाँ पे टीचर्स, अच्छे टीचर्स वहाँ पे हैं। हाँ, बहुत सारे अभी उसमें रिक्रूटमेंट की अभी जरूरत है, क्योंकि अभी पोस्ट बहुत सारे खाली हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूर करके जो है स्कूलों पे जिस सब्जेक्ट की टीचर्स की जरूरत है उनको लगाने की जरूरत है। अदरवाइज काफी हद तक जो है, क्योंकि हमारे वहाँ क्या होती है, गांव में जो आपके स्कूल वगैरह है इस तरह के, वो कम्युनिटी बेस पे भी उनकी मॉनिटरिंग होती है। कम्युनिटी जो है वो अभी अभी पिछले कुछ सालों में जो है वो लोगों में ये जागरूकता आई है कि हमको जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको एम्पावर करनी है, उनको उस लेवल पे लानी है कि जहाँ पे प्राइवेट स्कूल वहाँ पे होती है, क्योंकि ज्यादा प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चों को वो पेरेंट्स जो है अफोर्ड नहीं करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है एक उस लेवल पे लाने की वहाँ पे कोशिशें गवर्नमेंट की तरफ से भी हो रही है, और वहाँ पे कम्युनिटी बेस पे जो है अपने गाँव में जो स्कूल होते हैं वहाँ पे कमिटी वगैरह बैठ के वो लोग देखते हैं। तो कमी है तो थोड़ी यही है कि कुछ जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और जो 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 खाली जो पोस्ट पड़े हैं टीचर्स के भरने हैं उनको जल्दी से अगर भरे तो गवर्नमेंट स्कूल जो है वो काफी हद तक आगे आ सकते हैं। सर आपने बोला कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग भी होती है, क्योंकि लद्दाख में हमेशा से ही वहां के कल्चर को लेकर काफी ज्यादा हाइप बनी रही है, लोगों का काफी ज्यादा कहना है कि लद्दाख का जो कल्चर है वो प्रिजर्व रहना चाहिए। तो लद्दाख में शिक्षा में वहां के स्थानीय संस्कृति और कल्चर को किस तरह से मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से उसमें इंडल्ज किया जा रहा है शिक्षा? देखिए, ये स्कूल लेवल पे वहाँ पे काफी हमारे कल्चरल प्रोग्राम वगैरह वहाँ पे होती है। कल्चर लद्दाख में सिर्फ टिबेटिन कल्चर नहीं है, बहुत सारे ट्राइब है वहाँ पे, आपको ये पुर्गी, ये दर्दी, ये बल्ती, बहुत सारे वहाँ पे कल्चर ये है कि आपको लद्दाख में एक इलाके से निकल के अगर आप दूसरे इलाके में पहुंचे वहाँ आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, वहाँ पे रहन सहन अलग, हर चीज अलग मिलेंगी। तो बहुत जरूरी है कि जो कल्चर है उसके उसकी उनकी प्रोटेक्शन वहाँ पे हो। और क्योंकि ये जो ट्राइब्स है, ये जो हमारे जो ये है, ये बहुत छोटे छोटे ये है, तो हमको खदशात यही है कि कहीं ये हमारे कल्चर खत्म ना हो जाए। अगर कल्चर खत्म हो जाती है तो हमारे आइडेंटिटी वहाँ पे खत्म हो जाती है, इसीलिए हमने प्रोटेक्शन मांगी है। ठीक है सर, आपने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में काफी ज्यादा डायवर्सिटी है, ठीक है, अलग अलग तरह का कल्चर है। अगर लद्दाख में अलग अलग जगह पर जाएंगे तो अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी, अलग अलग कल्चर देखने को मिलेगा, और ये अलग अलग कल्चर कहीं ना कहीं लोगों के रहन सहन को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर मैं यहीं से गरीबी के पॉइंट को जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि हमारा एक मुद्दा गरीबी भी है, आपसे जानना चाहती हूँ कि लद्दाख में अगर गरीबी की बात करूँ तो गरीबी की असल स्थिति क्या है इस वक्त, लद्दाख के लोग किस तरह की स्थिति में रह रहे हैं? और दूसरी चीज ये कि आपको क्या लगता है, क्या क्योंकि 2030 तक भारत को लक्ष्य मिला है कि भारत से गरीबी शून्य हो जाएगी,
क्या आपको लगता है कि लद्दाख में ये लक्ष्य हासिल कर पाएंगे आप 2030 तक? 2024 में चुनाव हुआ, आप चुनाव जीते, अगला चुनाव 2029 में, यानी कि 4 साल का आपके पास भरपूर समय है। 2030 का लक्ष्य, तो क्या लगता है 2029 तक 80% गरीबी खत्म हो पाएगी? देखिए, जिस तरह के आप दावे होती है कि इतना परसेंट जो है देश में गरीबी जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आई है, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे ये सारी चीजें दिखनी चाहिए, जो कि अभी तक मुझे नहीं लगता है कि ग्राउंड लेवल पे हमें कहीं दिखाई देती है। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती बढ़ती जा रही है, तो आप कैसे दावे कर सकते हैं कि आप गरीबी रेखा से ऊपर जो है लोगों को ला रहे हैं? आज हमें गरीबों को, देखिए, गरीबों को आज आज हम गरीबों को आज मुफ्त राशन देती है, आज बहुत सारे ऐसे स्कीम है जो मुफ्त देती है। ये चीजें जो है वो कुछ टेम्पररी ये है कि उनको अगर आप खाना नहीं, इससे गरीबी जो है खत्म नहीं होगी। गरीबी अगर खत्म करनी है तो गरीबों के लिए कुछ पॉलिसीज लानी चाहिए, जो 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 आप जो राशन दे रहे हैं 3 वक्त का, अगर आप राशन दे रहे हैं, ऐसा पॉलिसीज होना चाहिए वो तीन 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 तीन, तीन वक्त का जो ये होती है वो खुद जो है कमा के खुद ये कर सके, तब जाके आप गरीबी से ऊपर ले सकते हैं। लद्दाख में मेजोरिटी जो हमारे वहाँ के आवाम है वो तकरीबन लोअर मिडिल क्लास है वहाँ पे। हाँ, एक अल्लाह का शुक्र ये है कि कभी लद्दाख में ऐसा ये नहीं है कि वो जिसको 2 वक्त का रोटी नसीब ना हो या जिसके ऊपर जिसकी सर के ऊपर छत ना हो, कुछ झोंपड़ी ही सही लेकिन छत के बगैर वहां पे नहीं होती। ये शुरू से एक लद्दाख का ये रहा है, मगर गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे भी लोग हैं। आपने ये चीज कही कि लद्दाख में ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है कि 2 वक्त की रोटी ना नसीब हो। ठीक है, मैं मानती हूँ लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब होती होगी, लेकिन अगर हम कैलकुलेट, जिस तरह से भुखमरी को कैलकुलेट किया जा रहा है, उसमें देखें तो माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण एक बड़ा फैक्टर है। और लद्दाख की हेल्थ कंडीशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी कि एक रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें बताया था कि 92% लोग, यानी कि 92% लोग ऐसे हैं जो लद्दाख में एनीमिया से ग्रसित है। आप कह रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी सबको मिल रही है, लेकिन 2 वक्त की रोटी किस तरह से मिल रही है अगर 92% लोग ऐसे हैं जो एनीमिया से ग्रसित है लद्दाख में? 65% वुमेन्स ऐसी है जिनको एनीमिया है, यानी नहीं, बिहार के बाद गरीब दूसरा नहीं, राज्य, मैं बिहार के बाद दूसरा ऐसा स्टेट है लद्दाख जहां पर सबसे ज्यादा रेशियो है हेल्थ कंडीशन में ही है, जो मैंने आपको फिगर बताया है। नहीं, मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 वक्त का रोटी जो है वो मतलब जो जो हालात जो 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 देश में बाकी खासकर जो मेट्रो सिटीज में होती है लोगों की, उस तरह का हालात वहां पे इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे एक दूसरे की मदद जो है वो वहाँ पे करते हैं। वहाँ पे आपको ज्यादा तादाद में लोग जो है बाहर आके मांगते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि वो गांव में ऐसा सिस्टम होता है कि एक अगर कहीं एक दूसरे का ये होता है वो मदद करते हैं। दूसरा, छत के बगैर लद्दाख में आपको कहीं फुटपाथ पे या कहीं बाहर सोते हुए नजर नहीं आएगा। कम से कम सर छुपाने के लिए छत वहां पे होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबी नहीं है, गरीबी है वहां पे, गरीब ही रेखा से नीचे अभी लोग हैं। और आज जिस तरह से बेरोजगारी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, खासकर 2019 के बाद जो है वहां पे लद्दाख में टोटली, क्योंकि ज्यादा बड़ा इंडस्ट्री वगैरह तो वहाँ है नहीं, जो प्राइवेट जॉब वगैरह वहाँ पे ज्यादा है नहीं। आज तक ज्यादा जो डिपेंड रहा है वो यही गवर्नमेंट जॉब्स और आर्मी वगैरह, और जो आर्मी में जो लेबर्स वगैरह और लेबर्स के काम पे ज्यादा उन पे डिपेंड है। लेकिन 2019 के बाद इन चीजों में बहुत सारे कमी आई है और बाहर से लोग जो है खासकर आउटसोर्सिंग पे या आर्मी में भी अगर देखें, लेबर भी देखें, वो बाहर से लोग ज्यादा लाया जा रहा है। तो बेरोजगारी का मसला जितना बढ़ते जा रहा है, अब वहाँ लद्दाख में भी जो है वो जो जो गरीबी जो हम
बोलते हैं कि गरीबी को हम ऊपर ला रहे हैं, गरीब को, मुझे नहीं लगता है ये जो जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ते जा रहे हैं उस तरह से गरीबी तो और गरीब होते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उससे गरीबी भी बढ़ेगी। हालांकि रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि लद्दाख में सिर्फ 1.5 से 2% लोग ही बिलो पावर्टी लाइन है, लेकिन वास्तविक स्थिति आप हमें बता रहे हैं कि बेरोजगारी 2019 के बाद लगातार बढ़ी है, और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि गरीबी भी बढ़ी है। तो इसको लेकर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि क्योंकि 2019 के बाद काफी ड्रास्टिक चेंजेस आए लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख की पॉलिटिक्स में चेंजेस आए, लद्दाख की इकोनॉमी में चेंजेस आए, और अगर लद्दाख की हम बात करें तो शुरू से ही लद्दाख काफी अनस्टेबल राज्य रहा है पॉलिटिकली भी, और क्योंकि मिलिट्री का इन्फ्लुएंस भी लद्दाख में रहा है, तो एक अनस्टेबिलिटी बनी रही है। तो अब क्योंकि आपके पास एक पावर आई है, जनता का समर्थन है, जनता का सपोर्ट है आपके पास, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो समस्या है, जो भुखमरी की समस्या है, जो गरीबी की समस्या है, जो हेल्थ को लेके मैंने बात की, शिक्षा को लेके मैंने बात की, तो ये गरीबी, भुखमरी और शिक्षा के क्षेत्र में आपकी सरकार के या आपके अगले 5 साल का प्राइमरी गोल क्या है, प्राइमरी लक्ष्य क्या है? सबसे पहले आप ऐसी कौन सी चीजें करेंगे कि इन तीनों क्षेत्रों में जो है वो कुछ असर देखने को मिले, और ये जो तीनों क्षेत्रों में जो लक्ष्य मिला है भारत देश को, उसमें अगर हम लद्दाख रीजन की बात करें तो कहीं ना कहीं लद्दाख का जो ग्राफ है वो ऊपर उठता हुआ दिखता। देखिए, जो जो सबसे बड़ी हमारी चुनौती है, मैंने पहले कहा है, वो है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम पूरे जो हमारे वहाँ के यूथ्स हो या जो बेरोजगार है उनको गवर्नमेंट जॉब दे सके। सारे सारों को तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी, लेकिन जो रोजगार का जो वसीला है, जो जो रोजगार जिससे पैदा हो, उस सारे उन उन चीजों में हम देख के वहाँ पे रोजगार का जो वसीले हैं वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वो पैदा करते हैं। बहुत बड़े इंडस्ट्रीज तो वहाँ पे प्राइवेट जॉब्स का तो क्या आप इंडस्ट्रीज के आने के समर्थन में है? हालांकि आपने पहले ऐसा इशारा किया था कि इंडस्ट्रीज क्योंकि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, आपने एक और चीज बोली थी कि जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है वो भी नहीं दिया जाना चाहिए, तो फिर आप क्या इस चीज के समर्थन में है कि लद्दाख में और इंडस्ट्रीज नहीं, लाई नहीं जाना देना चाहिए? चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं, मुफ्त में राशन देना चाहिए, मगर वो टेम्पररी ये है। तो उसके साथ साथ ऐसे पॉलिसीज लाना चाहिए कि कल वो जो राशन दे रहे हैं वो राशन वो फैमिली खुद खुद कमा के खुद खा सके, और ये जो मुफ्त का ये दे रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इसको बंद हो जाए, तभी तो हम गरीबी रेखा से ऊपर ला पाएंगे। आप दावे करते हैं हमने इतने गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, और यहाँ से आप मुफ्त राशन तो ले रहे हैं, लोग जरूरत पड़ रही है, मुफ्त राशन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि उनको 3 वक्त का रोजी रोटी नहीं मिलती है। तो मेरा कहना का मतलब ये है। बाकी यही है कि जो इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज लद्दाख में सर आप ये कह इंडस्ट्रीज रहे थे कि सरकार मुफ्त राशन देके लोगों को और कमजोर बना रही है। नहीं, मुफ्त का राशन की जरूरत आज देश के गरीबों को बहुत जरूरत है, लेकिन वो है टेम्प्रेरी अरेंजमेंट। मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लाना चाहिए और पॉलिसीज ग्राउंड लेवल पे वहां पे दिखना चाहिए, जहां पे ये जो आप मुफ्त राशन दे रहे हैं गरीबों को, वो लोग खुद जो अपना राशन है खुद कमा के खा सके, ऐसे पॉलिसी जो है वो आनी चाहिए, तब जाके जो है गरीब गरीब जो है ऊपर आएगा, गरीबी रेखा से ऊपर आएगा। लेकिन आज जो पॉलिसी आज का जो स्थिति है, आज का जो स्थिति है वो ये है कि हमारे देश में ऐसे गरीब है जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, इसीलिए तो गवर्नमेंट मुफ्त राशन दे रहे हैं, और आज उनको जरूरत है। मगर मैं बोलता हूँ, अगर आप उन गरीबों को ऊपर लाना अगर आपका आपका चाहते हैं, तो उनको उनको इतना यह होना चाहिए कि वो अपना जो रोटी रोजी जो है खुद कमा के खुद खा सके, तब जाके तो आपका गरीबी जो है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा, लद्दाख में जो आप इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं वहां पे अगर इंडस्ट्रियल भी आए तो वहाँ के लद्दाख के जो 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 वहाँ के लोग है, वहाँ के जो 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 लीडरशिप है, वहाँ पे जो काउंसिल है, या वहाँ पे ऐसा एक स्टेट की हम मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि लद्दाख वाला खुद वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, वहाँ के टोपोग्राफी के हिसाब से, कौन सा इंडस्ट्रीज किस हद तक कितना बड़ा होना चाहिए, सारे चीजें खुद लद्दाख के लोग डिसाइड करें, ताकि वहाँ के एनवायरनमेंट भी बचा रहे,
और वहां पे इंडस्ट्रियल आए तो वहां के लोगों को रोजगार भी मिले, ये सारी चीजें ठीक है सर, दिखाई। आखिरी इसके अलावा भी आखिरी वहां के सर आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय कम है हमारे पास। आपसे बहुत कम शब्दों में और एक सीधा जवाब मैं आपसे चाहती हूँ कि आपकी पॉलिसीज क्या, अगले 5 साल का आपका प्लान क्या है लद्दाख में सारी स्थिति सारी चीजें बेहतर करने के, सीधा जवाब चाहती हूँ आपसे। सबसे पहले तो हमारे नौजवानों का जो मसला है, बेरोजगारी जो बढ़ती जा रहा है, उसको किस तरह कम करें, और रोजगार का वसीले हम वहाँ कैसे पैदा करें और किस तरह करें, उस पर हमने काम करनी है। हमारे एजुकेशन लाइन में खुसूसन, जब जैसे पहले आपने कहा हायर एजुकेशन के, उस पर हमने काम करनी है। हेल्थ सेक्टर में चूंकि जम्मू कश्मीर से जब हम अलग हुए हैं, तो आज के डेट में सिर्फ वहां पे 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एक लेह में एक करगिल में। तो वहां पे कोई उससे आगे जो जो है वो मल्टीस्पेशलिटीज या कोई कोई वहां पे मेडिकल कॉलेजेस खोलने की जरूरत है, उस पे काफी हद तक काम चल रहा है। काम क्या किया जाएगा मैं ये जानना चाह रही हूँ। आपने बोला एजुकेशन पे काम करना है, पॉवर्टी पे काम करना है, हॉस्पिटल्स को लेके काम करना है, लेकिन क्या काम किया जाएगा, सवाल मेरा ये है। काम तो बहुत कुछ करना है, लेकिन वो क्या काम होगा? एजुकेशन में सबसे पहले तो यही है, वहाँ जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है उसको उसको जो है फुल फ्लेज जो है वो लद्दाख यूनिवर्सिटी बनाया जाएंगे, और उसमें जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज और बाकी जो 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 चीजें हैं उसमें वो ये करनी है। हमारे कुछ कॉलेजेस की वहाँ पे ऑलरेडी डिमांड भी है, और कुछ कॉलेजेस वहाँ खोला गया है, उस पे तेजी से काम करके वहाँ पे कॉलेज वगैरह का ये करना है। और खुसूसन जो स्कूल से प्राइमरी मिडिल स्कूल, इन स्कूलों को जो है हमने लद्दाख में ऐसा पॉलिसीज हमने ये लेना है, वो स्कूल जो है वो कम उसका उसका जो ये प्राइवेट स्कूल के लेवल पे उसको लाया जाए, क्योंकि टोपोग्राफिकली वहाँ पे जो गांव है बहुत फार फ्लांग एरियाज में वहाँ गांव बसते हैं, तो प्राइवेट स्कूल जो है वो गांव में इतना इतने पैमाने पे वहाँ प्राइवेट स्कूल्स नहीं होती है। प्राइवेट स्कूल अगर होगा भी तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे होती है, जहाँ पे हमारे बच्चों को। सर अभी आप कह रहे कि प्राइवेट जी स्कूल्स जी लाने की कोशिश की जाए, कुछ समय पहले आपने कहा था कि लद्दाख में जो कुछ गांव है जो कुछ एरियाज है वहां पर गवर्नमेंट स्कूल्स ही इतने अच्छे हैं, वहां पर ही काफी अच्छी शिक्षा दी जाती है, तो आपको नहीं लगता कि प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ाने की बजाय गवर्नमेंट स्कूल्स को ही और बेहतर बनाया जाना चाहिए? वही वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना, यही हमारी कोशिश रहेगी, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनको उनका लेवल जो है वो उनको बढ़ाया जाए, ताकि वो उस लेवल पे आए जहाँ पे प्राइवेट स्कूल में ये मिलता है। और उस लाइन में वहाँ पे हमारे दोनों लेह में करगिल में जो काउंसिल है और जो गांव लेवल पे जो कमेटी है, वो लोग पिछले कई सालों से इन पे काम कर रही हैं, और काफी हद तक जो है वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वहाँ पे अच्छे टीचर्स भी है, लोकल वहाँ के टीचर्स है। हाँ, टीचरों की कमी है, उनको पूर करना, उन जो खाली जो पोस्ट पड़े हैं उनको पूर करके वहाँ पे टीचर्स का ज्यादा से गरीबी ज्यादा इंतजाम करना, ये। क्षेत्र में क्या काम करेंगे आप ये जानना चाहते जी हैं, गरीबी और भुखमरी के क्षेत्र में क्या काम करेंगे आप? उसमें यही है कि लोगों को रोजगार का वसीले वहाँ पे पैदा करें, वहाँ पे जो जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट दी गई थी कि सबसे कैसे? पहले तो ये है कि जितने भी वैकेंट पोस्ट है लद्दाख में, जो पिछले 2019 से जो रिक्रूटमेंट बंद पड़ी है, वो जल्दी से जल्दी रिस्टोर हो, और वहाँ पे जितने भी पोस्ट है वहाँ पे हमारे बच्चों को मौका मिले। उसके अलावा हम चाहते हैं, हम पिछले कुछ दिनों पहले हम हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री से भी हम मिले थे, तो आर्मी में भी जो हमारे बच्चे हैं उनको 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 मौका मिले, खासकर एक तो वहाँ पे जो जितने भी आर्मी में जो रिक्रूटमेंट होती है उनमें लोकल लोगों को वहाँ पे मौका मिले, वहाँ पे लेबर्स और खासकर जो हमारे बेकन वगैरह में लेबर्स लगते हैं वहाँ पे हमारे लोकल्स लोगों को मौका मिले। और इसके अलावा जो 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 रोजगार का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हमने वहाँ पे काम करनी है, रोजगार के वसीले, और देखना है कि वो क्या क्या वहाँ पे हम पैदा कर सकते हैं, तो इन सारे चीजें हैं इसके। जी सर,
जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी दर में अपने आप गिरावट आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ बेहतर करने की जरूरत है, और जो गवर्नमेंट स्कूल वाली आपने बात कही वो बात काफी ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि आज भी देश के कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गवर्नमेंट स्कूल में उस स्तर की शिक्षा नहीं मिल रही है जिस स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए। तो आप सर, आपका स्पोर्ट्स बहुत में, बहुत स्पोर्ट्स में धन्यवाद। हम लोग, स्पोर्ट्स में हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि लद्दाख के बच्चे बहुत टैलेंटेड है और उनको स्पोर्ट्स में हमको अपॉर्चुनिटीज काफी नजर आ रही है, तो स्पोर्ट्स पे हमने काफी हद तक ध्यान दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से हमने लद्दाख की बात की, कई सारी बातें सामने निकल कर आई, और एक बड़ी बात यह सामने निकल कर आई है, मोहम्मद हनीफा जी ने ये कहा कि अगर सरकार मुफ्त राशन देगी तो कहीं ना कहीं सिर्फ मुफ्त राशन देने से गरीबी को खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसी पॉलिसीज लानी होगी जिससे गरीबी खत्म हो, जिससे आत्मनिर्भर बनाया जाए जनता को, या जिससे जनता को दो वक्त की रोटी खुद कमाए, ना कि मुफ्त मिल पाए। एक बड़ा ही इंडिकेशन है, एक बड़ा इशारा है, और एक बड़ी बात कह डाली है। हालांकि अब देखना ये होगा कि किस तरह से 2030 का ये जो लक्ष्य है वो हासिल किया जाता है, और ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से हम बात करेंगे और वहां की स्थिति जानेंगे, और आपको भी बताएंगे कि आखिर 2030 के लक्ष्य को लेकर, 2030 के भारत को लेकर ये तमाम लोगों के क्या विचार है। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.